मेमोराइजिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग। बहुत दफा स्टूडेंट्स जो हैं वो चीजों को याद करने की तरफ जाते हैं, ना कि वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं। याद रखना, अनअंडरस्टूड मेमोराइज लर्निंग डिकेज विद टाइम। अगर आप सोचे समझे बगैर चीजों को सिर्फ याद कर लेते हैं तो वक्त के साथ उन्हें भूल जाना। तो आपका अगर इतना बड़ा कंटेंट है, इतना बड़ा सिलेबस है, 8 आपकी किताबें हैं, तो अगर आपने चीजों को क्रैम किया हुआ होगा तो एग्जाम वाले दिन सारी की सारी चीजें आपस में मिक्सअप हो जानी। तो आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, राइट? सो के अंडरस्टैंड कि आपने उनको चीजों को समझना है, तसल्ली के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट्स को अपने आपस में रिलेट करना है, एंड सो ऑन, राइट? सो आपने मेमोराइजिंग पे फोकस नहीं करना बल्कि अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना। बल्कि मैं बच्चों को ये टेक्स्ट बुक रीडिंग जब सिखाता हूँ तो मैं ये उनको ये भी सिखाता हूँ कि बेटा पहली जो रीडिंग आपने देनी है, आपने ये सोचना ही नहीं है कि किताब मुझे याद रह रही है कि नहीं याद रह रही। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करें, आप इसको अंडरस्टैंड कर। Once you understand the stuff, right? और जो जो चीजें याद करने वाली हैं, आप पहली दफा पढ़ते हुए साथ साथ लिखते जाएं, भाई memorize it, तो second go में आप उन चीजों को याद करें। लेकिन पहला focus आपका understanding of the information ये होना चाहिए। इसमें देखें ना, इसमें तीन tiers होते हैं basically, जिस तरीके से आपने पढ़ना होता है। देखिए, first जो पहला step होता है, that is the understanding of the information। अगर किसी भी topic की हम तैयारी की बात करें, first step क्या है, understanding of information, ठीक है? Second step क्या है, creation of memory, और third step क्या होता है, consolidation of memory। तो पहले नंबर पे आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, राइट? और नंबर टू पे आपने क्रिएशन ऑफ मेमोरी को क्रिएट कर लिया कि अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जो रियलाइज हुआ कि इसके अंदर ये टेबल या ये फिगर या ये फॉर्मूला याद करने वाले हैं, सेकंड रेट में आप उनको याद कर लें, उनको मेमोराइज कर लें। और थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, अपनी मेमोरी को कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज करने के, मे बी करने से, लाइक जैसे टॉप ग्रेड में फास्ट भी है, नोट्स को बार बार पढ़ने से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसको कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। सो तीन टीयर्स के अंदर है। सो वंस अगेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, देन क्रिएशन ऑफ मेमोरी, एंड देन कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। सबसे पहले किताब को समझ के पढ़ें, उसके बाद फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि याद करने वाले हैं, मेमोराइज करने वाले हैं, उनको मेमोराइज करें और थ्रू फास्ट वी नोट्स, और उसके बाद फिर मेमोरी को मजीद कंसोलिडेट करने के लिए आप जो है वो बार बार वी नोट्स को भी पढ़ते रहें। सो टेक्स्ट बुक में अगर कुछ चीजें डायरेक्ट हैं जो आपकी मेमोराइज करने वाली हैं, सेकंड स्टेप पे यानी कि जो क्रिएशन ऑफ मेमोरी है उसमें टेक्स्ट बुक वाली चीजें या फास्ट वी नोट्स वाली चीजें आप वहां से मेमोराइज भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन।